दोस्तों मैं आज आपको बाहुबली 2 से जुड़ी ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपके बिल्कुल भी होश उड़ ही जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसके लिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं उसे सुनने के बाद जी हाँ आपके बिल्कुल भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बाहुबली 2 से जुड़ी 3 फैक्ट बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि मैं आपसे यदि दोस्तों पूछूं कि एक फिल्म बनाने के लिए कितना टाइम लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे 2 या 4 महीना या फिर 1 साल। तो गाइस यदि आप ऐसे सोचते हैं और यदि दोस्तों अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार यदि रहे तो दोस्तों 2 या 3 महीने में भी कंप्लीट हो जाएगा एक फिल्म। लेकिन दोस्तों बाहुबली 2 लगभग 3.5 साल लगे थे इसका टाइम बनने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं बाहुबली 2 के पोस्टर इतना बड़ा बनाया गया था जो कि पहले किसी भी फिल्म का पोस्टर उतना बड़ा नहीं बनाया गया था। इसीलिए दोस्तों उस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं बाहुबली 2 के जो लास्ट फाइट सीन था मात्र 2 मिनट का फाइट सीन था। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उसे शूट करने के लिए लगभग कितना दिनों का समय लगा था। यदि दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि 2 मिनट का किसी भी सीन को शूट करने के लिए, खासकर लड़ाई सीन को शूट करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो गाइज आप कहेंगे 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, या फिर 2 दिन, या फिर 10 दिन। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों उस फिल्म के जो फाइट सीन था लास्ट का, जो सिक्वेशन था, उसे दोस्तों शूट करने के लिए लगभग 100 दिनों का टाइम लगा था। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इतना ही इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। लगा है लाइक कर दीजिए, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड ढेर सारे हमें प्यार दिखाइए। और दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।